Hello, my dear students. A very good morning to you all. Now it's your EVS class. So, welcome to you all in our EVS class. First, you have to take out your EVS workbook, page number 27. Then put the date 11 11 21. Okay. So, students, first we will do question number 1. Question number 1 is नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एच फॉर देअर रेस्पेक्टिव सीरियल नंबर लेफ्ट साइड में कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है उसके साथ कुछ नंबर भी दिया गया है हमें पहले के तरह उसे क्या करना है ए नंबर्स के अनुसार उसका नेम लिखना है ए ब्लाक्स में सो so, पहले हियर गिभन नंबर सेवन सो फर्स्ट वी विल सर्च वेर इज नंबर सेवेन यस हियर इज नंबर सेवेन सो इट इज पिक्चर ऑफ जीप सो हम अभी जे फॉर जीप लिखेंगे जे ई पी जीप जे ई पी जीप ओके देन इन नंबर फोर इट इज पिक्चर ऑफ एरोप्लेन सो हम इधर क्या लिखेंगे एरोप्लेन, ओके सो ए फॉर एरोप्लेन होता है ए आर ओ एरो, एरोन प्लेन पी एल ए एन ई एरोप्लेन ए आर ओ एरो पी एल एन ई प्लेन देन नंबर वन में कौन सा पिक्चर है देखेंगे यस इट इज कार सो हम लिखेंगे सी फॉर कार सी ए आर कार देन नंबर सिक्स में कौन सा पिक्चर है नंबर सिक्स में पिक्चर है बस का सो so, हम लिखेंगे बी फॉर बॉस बी यू एस बस ओके देन नंबर टू में है पिक्चर सिप का पिक्चर सो so, हम लिखेंगे सिप एस एच आई पी सिप नंबर फाइव में है यस ट्रेन का पिक्चर सो हम लिखेंगे ट्रेन टी फॉर ट्रेन होता है टी आर ए आई एन ट्रेन ओके देन नंबर थ्री में कौन सा पिक्चर है बाईसाइकल का सो so, हम लिखेंगे बाईसाइकल वी फॉर बाईसाइकल होता है बी आई सी वाई सी एल ई बाइसाइकल, बी आई सी वाई सी एल ई बाइसाइकल, ओके सो आपको उसी तरह ये प्रैक्टिस वन आपके लिए होमवर्क है आप उसी तरह ये प्रैक्टिस वन भी करोगे देन नंबर टू क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इधर भी सेम दिया गया है उसी तरह आप नंबर टू क्वेश्चन भी करोगे ओके okay, स्टूडेंट्स अभी हम नंबर थ्री करेंगे ए थ्री में पहले की तरह इन द ब्लैंक्स दिया गया है इन द मिसिंग लेटर्स हम क्या करेंगे जो लेटर मिसिंग है उसको करेंगे आपका ये जो प्रैक्टिस वन है आपके लिए होमवर्क है प्रैक्टिस टू अभी करेंगे प्रैक्टिस टू में जे डैश ई डैस तो हम क्या लिखेंगे ये सब कैपिटल लेटर में है इसलिए हम ब्लैंक्स भी कैपिटल लेटर में फिल करेंगे जैसे कि जे ई ई पी क्या हो गया जीप हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पे ए डैश आर डैश पी डैश ए डैस ई तो हम अगर इधर लिखेंगे ए ई आर ओ एरो ए आर ओ देन पी एल ए एन ई क्या हो गया एरोप्लेन ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन देन इधर नंबर फाइव में टी डैस ए डैस एन सो so, हम अगर टी आर ए आई एन लिख दिए तो ए हो गया ट्रेन टी आर ए आई एन ट्रेन टी फॉर ट्रेन देन इधर डैश ए डैश सो so, हम अगर सी ए आर लिख दिए तो हो गया कार ओके सी फॉर कार सी आर कार देन नंबर टू इधर एस डैश आई डैश हम अगर इधर एस एच आई अलडी है पी एस एच आई पी सिप लिख दिए तो ए बन गया सिप एस फॉर सिप ओके दिस इज वन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हम अगर बी यू अलडी है एस तो ए बन गया बस बी फॉर बस बी यू एस देन इधर बी डैश C C सी डैस E. अगर हम इधर B I C Y C L E मतलब कि bicycle लिख दिए तो ये बन गया bicycle B I C Y C L E. ओके कंप्लीट नेक्स्ट हम अभी रीअरेंज करेंगे अल्फाबेट्स को पहले जैसे कर रहे थे ए सी आर लिखा है अगर हम सी ए आर लिख दिए मतलब कि सी ए आर इट्स कार ओके इधर फास्ट वन होगा कार देन पी आई एच एस तो अगर हम एस एच आई पी लिख देंगे तो बन गया सिप एस फॉर सिप एस एच आई पी अगर हम इधर बी आई सी वाई सी एल E लिख देंगे हो गया बाईसाइकल बी आई सी वाई सी एल ई बाईसाइकल देन हियर अगर हम एर ओ एरोन पी एल एन ई बन गया एरोप्लेन एर ओ पी एल एन ई एरोप्लेन ओके डन नेक्स्ट अगरहमट टी आर ए आई एन लिख दिए तो बन गया ट्रेन टी आर ए आई एन ओके अगर हम बी यूएस लिख दिए तो बन गया बस बी एस बी फॉर बस अगर हम जे, जीप जेई पी जिप जे फॉर जिप होता है ओके सो so, ए रहा हमारा रीअरेंज द अल्फाबेट्स ओके स्टूडेंट्स For today this match bye bye god bless you